सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जहाँ सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है और जहाँ प्रेम की भाषा हो वही परिवार होता है। राह संघर्ष के जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। कल से सीखें, आज के लिए जिए, कल के लिए उम्मीद करें, क्योंकि आज है जो वही सच है, कल जो होगा वो उम्मीद होगी। आज का पंचांग 11 अक्टूबर 2021 दिन सोमवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रात्रि 11:50 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र दोपहर 12:56 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:52 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर दोपहर 12:56 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 11 अक्टूबर 2021 दिन सोमवार, आप इस समय आध्यात्मिक स्वभाव के हैं। अपने विश्वासों को मजबूत करें और कुछ नया सीखने के मौके का उपयोग करें। माता पिता या उनके जैसा कोई आपको ज्ञान दे सकता है। भाग्य आपके साथ है, आप अभी शांत हैं और खुले दिमाग से जीवन को खोजने के लिए तैयार हैं। आपके सितारे बता रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत कर ली है, इसलिए अब कुछ देर आराम करने का वक्त आ चुका है। अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जीवन में आए उतार चढ़ाव से भी आपको लाभ भी होगा। हर क्षेत्र में जीत मिलेगी। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। दूसरों पर अधिक निर्भर रहने की अपेक्षा अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। समय के साथ किए गए कार्यों के परिणाम भी उचित फल प्राप्त होते हैं, इसलिए अपनी छुपी प्रतिभाओं को समझें और उनको सही दिशा में लगाएं। अधिकतर बातों में संतुलन बनाए रखना होगा। किसी करीबी व्यक्ति की मदद से अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। खुशखबरी मिल सकती है। बैंकिंग से संबंधित कामों पर ध्यान देने की जरूरत है। पैसों की वजह से तनाव कम हो सकता है। नए अवसर मिलेंगे, इन अवसरों का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयारी शुरू करें। एक दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करने की दोनों में संतुलन बनाए रखना होगा। दांतों से संबंधित तकलीफ नजरअंदाज ना करें। सावधानियां, कई बार ज्यादा सोच विचार करने की वजह से कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हाथ से निकल सकती है। अपने अहम के ऊपर नियंत्रण रखें, इसकी वजह से आपके मान सम्मान में धब्बा लग सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर हल्की फुल्की टकरार पैदा हो सकती है, परंतु जरा सी सूझबूझ रखने से आपसी संबंधों में पुनः नजदीकियां भी आएगी। आपका साथी आपको आराम प्रदान भी आज कर सकता है। अपने साथी से प्यार का इजहार करने के लिए उसे किस आलिंगन, फुल चॉकलेट या किसी खास उपहार के साथ साथ अपना समय भी दें। आज के दिन खास है, चिंता छोड़कर आपके पास जो भी है उसका मजा लें। आज अब घरेलू कामों की तरफ ध्यान देंगे, खासकर उनकी ओर जो आपके दिल के करीब हैं। उनके लिए खास खाना बनाएं या कोई रोमांटिक गाना गाएं। याद रखें, प्यार का रिश्ता हमें आत्मविश्वास के साथ साथ दूसरों का सम्मान करना भी सिखाता है। बात करते हैं करियर की। शिक्षण, लेखन, पत्रकारिता और साहित्य में लगे हुए लोग आज अपने करियर में बड़ी सफलता का आनंद ले सकते हैं और आपको अपनी उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। आज के दिन शैक्षणिक संस्थाओं और निर्माण के कारोबार में निवेश के लिए उपयुक्त है। सामान्य रूप से आपको पिछले कुछ दिनों के तनाव को पीछे छोड़कर एक शांत दिन का आनंद भी मिलेगा। बात करते हैं सेहत की।
आशा आपकी सेहत अच्छी है क्योंकि आज आप भावनात्मक रूप से खुश हैं। आप में आत्मविश्वास झलक रहा है। भावनात्मक स्थायित्व और खुशी में कोई ऐसी शक्ति होती है कि वह अंदर से बाहर तक राहत देती है। आप सकारात्मकता से भरे हैं। आज कोई महत्वपूर्ण कार्य निपटाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। सफलता और पहचान मिलने की अच्छी संभावनाएं भी हैं। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।